सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल हैं। मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है और ये ऑर्डर ये कहता है कि जो सेक्शन 73 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत 34 ऑफ 2019 ये कहता है कि आर्टिकल 239 और 239A के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो ऑर्डर है 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था वो अब फिलहाल रिवोक हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल यहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो जाएगा, जिसको देखते हुए सेक्शन 54 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल यहां पर लागू था वो रिवोक कर दिया है खुद द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो एक बड़ी खबर है और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर को अपना चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा और चीफ मिनिस्टर के मिलने के साथ ही जो यहाँ पर जो ऑलरेडी एक ऑर्डर के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था वो फिलहाल अभी से ही प्रेसिडेंट साहिबा ने एक ऑर्डर कर दिया है और उस रूल को जो है रिवोक कर दिया गया है, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो अब फाइनली यहां से खत्म हो चुका है और जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो जाएंगे और पता चल जाएगा आपको जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर अभी कुछ देर पहले आया है और जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर नियुक्त करने से पहले प्रेसिडेंट रूल को खत्म करना बहुत जरूरी था। तो फिलहाल मैडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये ऑर्डर निकाल दिया गया है जिसके अंदर यहाँ से प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया गया है और अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के नियुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और आप सभी लोग कुशल मंगल रहिए।